हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संदेश ऐप क्या है, इसमें अकाउंट सेटअप और इसे यूज़ कैसे करते हैं यह जानेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, संदेश ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, जिसमें आप व्हाट्सअप की तरह ही मैसेजेस, फोटोज, वीडियोज या कोई फाइल सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ऐप को भारत सरकार के एक विभाग NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है। ये ऐप पूरी तरह से मेड इन इंडिया व्हाट्सएप अल्टरनेटिव ऐप है, जो पूरी तरह से सिक्योर है और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप जो भी डेटा सेंड करते हैं वो आपके और रिसीवर के अलावा कोई भी रीड नहीं कर सकता, मींस कोई भी पढ़ नहीं सकता। मींस इसमें आप जो भी डेटा सेंड करते हैं वो इंड टू इंड इनक्रिप्टेड होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप इस ऐप को जरूर यूज करें और डिजिटल इंडिया पावर टू इम्पावर में अपना योगदान दें। ओके, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड और कैसे यूज़ करना है। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये ऐप अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो ये अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। इसे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इस ऐप के एपीके को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर ले। तो चलिए मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में संदेश ऐप टाइप करके सर्च करना है। ओके, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ये फर्स्ट वाले वेबसाइट www.gims.gov.in पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ से आप जिस भी प्लेटफॉर्म के यूजर से उस प्लेटफॉर्म के APK को डाउनलोड कर लेते। तो चलिए मैं एंड्रॉयड वाला APK डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड के नीचे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको फिर से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ आपको नीचे ओके के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से ये फाइल्स डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो चलिए वेट कर लेते हैं। उसके बाद से आपको फाइल्स डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद से आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप आपके मोबाइल में GIMS के नाम से डाउनलोड हो जाएगा। तो उसे आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपको परमिशन मांग रहा है, तो इसे आपको ओके पर क्लिक करके परमिशन दे देना है। ओके, उसके बाद सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ आप मोबाइल और ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको फ़ोन नंबर अपना एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसे यहाँ एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। 8946 9 7 8946 9 7। ओके, उसके बाद से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ अपना नाम एंटर करना है, नेम एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ, MHZ कुमार। उसके बाद से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आप यहाँ फोटो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ। उसके बाद से आप अपना लोकेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐड कर सकते हैं अलाउ, यहाँ से आप अपने लोकेशन को अलाउ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अलाउ भी कर सकते हैं, चलिए मैं स्किप कर देता हूँ। ओके, उसके बाद से कह रहा है वेलकम MHZ कुमार, वी आर अबाउट टू सिंक योर फोन बुक टू क्रिएट योर GIMS कंटेक्ट लिस्ट, डू यू वांट टू प्रोसीड? यस, आपको सिंक पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से ये सिंक कर रहा है ओके आपके कॉन्टेक्ट्स को। ओके, सिंक होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ आपको बहुत सारे टैब्स दिख जाते हैं। तो चलिए इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही नीचे आप यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ आपके कॉन्टैक्ट में जो जो भी पर्सन संदेश ऐप को यूज़ कर रहे होंगे उनका यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट शो हो जाएगा। तो उन्हें यहाँ से मैसेज या चैट कर सकते हैं। ओके, और इस पर क्लिक करके आप किसी पर्सन को सर्च कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से नीचे यहाँ आपको चैट सेक्शंस में आप जिन लोगों से रिसेंटली चैट किए होंगे उन सबका यहाँ चैट आपको दिख जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ ग्रुप्स में आप जिस ग्रुप में ऐड हुए होंगे उसका यहाँ वो ग्रुप यहाँ शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ कॉन्टैक्ट्स में आपके कॉन्टैक्ट्स में जो भी पर्सन संदेश ऐप को यूज़ कर रहे होंगे उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट या मीन्स नंबर उनका नंबर यहाँ शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद से मेरे कॉन्टैक्ट में कोई भी अभी संदेश ऐप यूज़ नहीं कर रहा है। ओके, मेरा खुद का नंबर है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो इस पर क्लिक करके आप अपने संदेश अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस
अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को चेंज या अपडेट कर सकते हैं, और चूज प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करके फोटो को अपडेट कर सकते हैं, और रिमूव फोटो पर क्लिक करके प्रोफाइल फोटो को रिमूव कर सकते हैं। और जैसे ही साइन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी चेंज या अपडेट किए होंगे वो अपडेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ स्टेटस में आपको कोई भी स्टेटस आप अपडेट कर सकते हैं, कोई भी स्टेटस लगा सकते हैं। स्टेटस मीन्स जो बायो नहीं होता है, बायो वो लगा सकते हैं या कस्टम वाला नहीं है आप इसमें जो अवेलेबल वही लगा सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी कर अवेलेबल कर देता हूँ। उसके बाद से आपका ईमेल या कॉन्टैक्ट यहाँ दिख जाता है। उसके बाद से जैसे ही आप बैक करेंगे तो आपको यहाँ बैकअप का ऑप्शन दिख जाता है। तो इस पर क्लिक करके आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं। यहाँ अलाउ एक्सेस टू डाउनलोड्स, यहाँ कहाँ डाउनलोड करना है वो सिलेक्ट कर इसका अलाउ एक्सेस दे सकते हैं। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको मैनेज कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो इस पर क्लिक करके आप अपने फोन बुक में कॉन्टैक्ट को सिंक कर सकते हैं, और यहाँ से कॉन्टैक्ट एड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट को ऐड भी कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो इस पर क्लिक करके आप अपने इस ऑटो डाउनलोड मीडिया फाइल्स, मतलब जो ऑटो डाउनलोड हो कोई भी फाइल्स आपको, कोई भी पर्सन आपको कोई भी मैसेज सेंड करता है या फाइल सेंड करता है तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगता है। तो उसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको हेल्प का ऑप्शन दिखता है। हेल्प पर क्लिक करके आप अबाउट GIMS के बारे में जान सकते हैं, क्यूक रिफरेंस गाइड या कुछ FAQ यानी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद से आपको इस लॉग आउट पर क्लिक करके आप इस संदेश ऐप GIMS से लॉग आउट हो सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपको इस थ्री ऊपर वाले इस थ्री डॉट राइट कॉर्नर में थ्री डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से आप इन्फो सर्विस के बारे में जान सकते हैं, और हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद से GIMS वेब, इसका जो व्हाट्सअप वेब नहीं होता है, इस आप अपने इस संदेश ऐप को GIMS वेब मतलब वेब में भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ से सर्च कर सकते हो गया। उसके बाद से आपको बस यही इसमें ऑप्शन से, और जैसे ही आप चैट्स पाएंगे तो आपको चैट्स किसी से करना है तो चलिए मेरे कॉन्टैक्ट्स, तो चैट्स अगर किसी से करना है तो आपको कॉन्टैक्ट्स में आना है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में जो भी पर्सन संदेश ऐप यूज़ करेंगे उनका यहाँ लिस्ट आ जाएगा। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में अभी फिलहाल कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो मैं चैट्स में जाता हूँ और इन्फो सर्विस जो GIMS का बोट है उसे ही चैट करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे ही आप किसी चैट को ओपन करते हैं, मैं इन्फो सर्विस GIMS चैट बोट को ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद से यहाँ आपको टाइप, यहाँ से मैसेज आपको टाइप करने को ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, जैसे मैं हाई टाइप करके सेंड कर दिया। ओके, उसके बाद आपको ये प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ से गैलरी से फोटो वीडियो सेंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइल सेंड कर सकते हैं, यहाँ कैमरा से फोटो वीडियो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ से बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कोई भी टेक्स्ट करेंगे तो वो बोल्ड होगा। लाइक जैसे मैं हाई करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इस तरह के मतलब अलग अलग कलर का टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं अलग अलग कलर का भी यहाँ से टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाता है। तो मतलब आप कोई भी मैसेज भेज रहे हैं वो कौन सा कॉन्फिडेंशियल है, प्रायोरिटी है, और या ऑटो डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऑटो डिलीट टेक्स्ट लगा देता हूँ, और जैसे मैं सेंड करता हूँ तो कुछ सेकेंड्स के बाद ऑटो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो मतलब इस तरह से आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, मैसेज का प्रायोरिटी टेक्स्ट के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ जीमोजी का ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो यहाँ से कोई भी जीमोजी सेंड कर सकते हैं। लाइक मैं अप्रूव करता हूँ, ऐसे सेंड कर देता हूँ, ये सेंड हो जाएगा। ओके, तो मीन जी यहाँ से आप कोई भी जीमोजी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप चैट कर सकते हैं, और फिर इस तरह से आप चैट कर सकते हैं, और इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आप चैट्स में यहाँ कोई भी चैट्स को मैक फेवरेट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज को मैक फेवरेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर कन्वर्सेशन के लिए कन्वर्सेशन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ मूड नोटिफिकेशन, और यहाँ से साउंड नोटिफिकेशन को, चैट के साउंड नोटिफिकेशन को मूड भी कर सकते हैं। तो इसमें चैट में आपको यही ऑप्शन दिख जाता है, और बस इसमें आपको यही ऑप्शन दिख जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप संदेश ऐप को यूज कर सकते हैं और इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, हैव अ गुड डे।